More than 93% of workers in our country are in the informal sector, unorganized sector. The demand of the trade unions has been that minimum wage should be not less than 18,000 per month. In the unorganized sector, workers are getting as low as 5,000, 6,000, etc. आयरन के गोली खिलाने पर 100 रुपया, जांच कराने पर 100 रुपया, बीसीज दिलाने पर 300 रुपया, ऐसे करके मिलता है। लेकिन आशा कार्यकर्ता के कोई मानदेय नहीं है, पैसा घट ही रहा है, आशा का पेट नहीं है, पेट अपने कहीं रख करके काम करती है। हम लोगों से इतना काम लिया जाता है कि उसके अनुसार हम लोगों को दाम नहीं दिए जाते। हम लोगों को 5,000 मानदेय मिलता है, जिसपे हमारे पूर्ति भी नहीं होती है। 5,000 रुपये क्या है, कुछ भी तो नहीं है। नहीं, दूसरों को पोषण बना रहे हैं, हम अपने बच्चों को कुपोषण बना रहे हैं, कुछ देखरेख भी नहीं कर सकते उनकी। इतने हमारा तो न्यूनतम वेतन 18,000 से नीचे तो नहीं होना चाहिए। खाना बनाते हैं स्कूल में बच्चे सबका, 1,250 रुपया मिलता है। 1,250 रुपया में क्या होने वाला है, इसलिए सरकार से मांग करते हैं कम से कम मजदूरी भी तो चाहिए। जितना सरकार बनाए हैं उसके लिए मजदूरी चाहिए। अभी पिछले बजट सत्र में इसकी घोषणा कर दी कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी कि नियत अवधि का जो रोजगार है किया जाएगा और ये सभी किस्म के रोजगारों में इसको लागू किया जाएगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इट विल थ्रेटन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट विल फैसिलिटेट नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज एंड हेल्प द एम्प्लॉयर्स नॉट द वर्कर्स। हम फ्री पर खट रहे हैं, कोई मानदेय नहीं है, और नहीं करने पर बोलने जा रहे हैं कि नहीं करोगी तो हटा देंगे, अगर मानदेय के लिए कोई भी कंप्लेन करोगी तो हटा देंगे। आज जो ट्रेंड है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम का इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है। हमारी जो मांगे हैं सरकार से, मांगे ज़्यादा नहीं है, सरकार हमें मिनिमम मानदेय दे रही है तो 18,000 दे, और नहीं तो फिर हमें सरकारी कर दे। गवर्नमेंट की अप्रोच सीधे सीधे वर्कर को दबाने की है, किसान को दबाने की है, उनकी मांग को सुनने की नहीं है। देश के बड़े पूंजीपति और दुनिया की जो वित्त पूंजी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल, हिंदुस्तान की आर्थिक नीति को उनके हवाले करने की है। तो हमारा ये मानना है कि ये गवर्नमेंट एंटी नेशनल है, एंटी वर्कर, एंटी फार्मर, एंटी पीपल तो हम बोलते ही थे, लेकिन ये गवर्नमेंट एंटी नेशनल भी है। मोदी गवर्नमेंट हैज डन एवरीथिंग नेस्टी अगेंस्ट द फार्मर्स ऑफ द कंट्री, अगेंस्ट द वर्कर्स ऑफ द कंट्री, अगेंस्ट द यूथ ऑफ द कंट्री। यह सरकार जो मजदूर के लिए हानिकारक साबित हो रही है, मजदूर को शोषण कर रही है, मजदूर के साथ अन्याय कर रही है। जितने श्रम कानून थे वो आज जो है 4 श्रम कानून कहते हैं, लेबर कोड जो उनको कहा जा रहा है, उसके तहत जितने भी अलग अलग कानून जो अधिकार दे रहे थे मजदूरों को, वो सारे को एकदम डाइल्यूट कर दिया गया। आंगनवाड़ी वर्कर जो है 30-35 साल विभाग में काम करती है और खाली हाथ घर जाती है। सरकार जो है ना हमें पेंशन देती है, और जो सरकार हमें मानदेय देती है वेतन नहीं देती है, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिए। फंक्शनल सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस एप्लीकेबल फॉर द ऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली, BAF, ESI, ऑल दिस दे वांट टू डिसमेंटल। कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड दे वांट टू डिसमेंटल, सो दिस मनी दे वांट टू पुल इट सेंट्रली, कीप इट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल एंड throw the responsibility of social security on the state government. Neither common people will get social security, rather those who will be getting society will be taken away. This is what is called a reverse transfer in this neoliberal regime which is under deep crisis. Poor people are becoming very poor, rich people are becoming very rich, and all the essential commodities prices are sky high. So it is very difficult, to go on living. आम जनता ने ये बैंक का पास अमानत रखा है 80 लाख करोड़ का ऊपर, ये सब लूटने का रास्ता उन्होंने बना रहा है, जैसा कि अदानी अंबानी लोग इसको लूट सके। निजीकरण का रास्ता में अभी जो सरकार है वो बहुत तेजी से चल रहा है। मोदी सरकार ने हम लोग को हरियाली दिखाई
और अब सूखे में भी नहीं चलने दे रहा है। बोले अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कितने अच्छे दिन आए।